हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की स्मैकडाउन तो आप सभी ने देख ही ली होगी। आज की स्मैकडाउन का सबसे अच्छा मूवमेंट मेन इवेंट रहा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेनियल ब्रायन ने वापसी के बाद क्या क्या कहा और ऐसा क्या हुआ जिसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने डेनियल ब्रायन पे अटैक कर दिया, और अटैक के बाद शेन मैकमैन ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वही देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आज के शो की शुरुआत डेनियल ब्रायन से ही हुई थी। ब्रायन ने आके कहा कि सभी का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते जो शेन मैकमैन के साथ हुआ उसके लिए बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने वो किया है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, तो कुछ और बात करते हैं। 2 साल पहले मुझे रिंग को छोड़ना पड़ा था। मैं गुस्से में था, उदास था, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैंने अपने काम पर फोकस किया, मुझे अच्छा परिवार मिला, दोस्त मिले और जबरदस्त फैंस मिले, साथ ही एक अच्छी पत्नी भी मिली। जब मैं गुस्सा या परेशान होता था तो वो मुझे हिम्मत देती थी। उसी की वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि वही मुझे दूसरे डॉक्टर के पास बार बार भेजा करती थी। जब मुझे लगता था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन वो बार बार मुझसे बोलती थी कि तुम लड़ सकते हो, अपने सपने के लिए लड़ सकते हो। सब डॉक्टर मुझे लड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब WWE ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो मुझे कंपनी के डॉक्टर्स को धन्यवाद करना है। साथ ही मैं अपने फैंस का भी शुक्रगुजार हूँ, आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। चलिए अब बात करते हैं रोमांच की। मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे रिंग में वापसी करूंगा। फैंस इसके बाद रसलमेनिया के लिए चैंट कर रहे होते हैं, क्या ये एक अच्छा सुझाव है? लेकिन डेनियल ब्रायन फिर से रिंग में उतरने वाला है। इसके बाद शो आगे बढ़ा और शो के मेन इवेंट में फिर से डेनियल ब्रायन दिखाई दिए, जहां आके उन्होंने कहा कि ये रात मेरे लिए बड़ी रात है, लेकिन अभी एक काम पूरा करना है। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस तुम दोनों बाहर आ जाओ। इसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन बाहर आते हैं और दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रिंग में आके डेनियल ब्रायन को गले लगाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि हम लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि शेन मैकमैन आज यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें पता लगा कि तुम वापसी कर रहे हो तो हम स्मैकडाउन में आ गए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ वापसी का जश्न मनाने के लिए आए हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, क्योंकि सब हमसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम ही एक थे जो हमें समझते हो। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया और अब तुम वापसी कर रहे हो। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। डेनियल ब्रायन कहते हैं, मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूं, लेकिन तुम लोग कुछ कारणों की वजह से बुलाए गए हो, तो देखो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने शेन मैकमैन को जैसे मारा था, वही वीडियो प्ले करी गई। इसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन कहते हैं, ये शायद शेन डिजर्व करता था। डेनियल ब्रायन कहते हैं कि ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, तुम लोग अभी तक पूरी बात को समझ नहीं रहे हो। तुम इस जनरेशन के अच्छे परफॉर्मर हो, तभी तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने क्या किया, अपने बॉस को मारा। तुम शेन से जीत गए थे, उसने खुद अपनी हार को कबूल किया था, लेकिन तुमने ना जाने क्या कर दिया, फिर भी तुम अपने काम को बुरा नहीं मान रहे हो। शायद मैं गलत था और शेन मैकमैन तुम लोगों के लिए सही था। डेनियल ब्रायन इसके बाद कहते हैं कि सुनो मेरी बात, मैं 2 बार कंपनी से निकाला जा चुका हूं, लेकिन मैंने वापसी अच्छा इंसान बनकर की थी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, तुम लोगों को कंपनी से निकाला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए निकाले गए हो, लेकिन अभी तुम्हें यहां से जाना होगा। इसके बाद डेनियल ब्रायन शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों शेक हैंड करते हैं, पर केविन ओवेंस अचानक से डेनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं, और इसके बाद सैमी ज़ेन भी बुरी तरह से मारते हैं। डेनियल ब्रायन पलटवार करते हैं, पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते या इनके ऊपर हावी नहीं रह पाते। दोनों फिर डेनियल ब्रायन को बुरी तरह मारते हैं। यही शो का आज एंड हुआ। अब ये तो तय है कि इनके बीच रसलमेनिया 34 में एक मैच दिखना है। मैच टैग टीम मैच ही होगा, जिसके बारे में एक हफ्ते पहले बता चुका हूं। उस वीडियो में मैंने डेनियल ब्रायन का सेगमेंट भी प्रेडिक्ट किया था कि वो आके यही कहेंगे कि मैं गलत था, शेन मैकमैन सही थे, और ऐसा ही डेनियल ब्रायन ने आज कहा। वाकई आज की स्मैकडाउन 2018 की बेस्ट स्मैकडाउन में से एक थी, और इस स्टोरी लाइन में एक नया मोड़ आ चुका है। वाकई इनके बीच एक जबरदस्त मैच होगा जो बड़े बड़े मैच की चमक को फीकी करने वाला है। दूसरी बात, गजब की स्टोरी लाइन इनके बीच दिखाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात, केविन ओवेंस की परफॉर्मेंस गजब है यार। सच में जब वो किसी को मार रहे होते हैं तो उनको देख के ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कितना गुस्सा भरा है जिसे वो मार रहे हैं उसके लिए, और फेस पे एग्रेशन उनके अलग ही दिखता है। ये सब होने के बाद डेनियल ब्रायन को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। इसके कुछ टाइम बाद शेन मैकमैन ने एक ट्वीट करा और जो कुछ भी हुआ उस पे ये कह के रिएक्शन दिया कि जो रात डेनियल ब्रायन के करियर की सबसे अच्छी रातों में से एक होनी थी, उसे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने खराब करके ये साबित कर दिया कि दोनों कायर हैं, दोनों ही WWE या फिर स्मैकडाउन पर होना डिजर्व नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस हमले की वजह से डेनियल ब्रायन की रिंग में वापसी में देरी नहीं होगी। शेन के इस ट्वीट के बाद सैमी ज़ेन ने भी एक ट्वीट करा और उसमें कहा कि तुम्हारा स्वागत है डेनियल ब्रायन, तुम 2 सबसे शानदार रेसलरों को कंपनी से फायर करने के बाद अच्छे से जियोगे, ऐसा तभी होगा जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाओगे। ये कुछ रिएक्शन दिया शेन मैकमैन और सैमी ज़ेन ने।
अब ये भी सोचा जा रहा होगा कि डेनियल ब्रायन की हालत कैसी है या वो कहाँ हैं, तो आपको बता दूं कि वो बिल्कुल सही हैं। इस तरह की हमलों के बाद सुपरस्टार को नॉर्मल चेकअप के लिए लेके जाया जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये था आज की स्मैकडाउन में डेनियल ब्रायन का सेगमेंट और रिएक्शन शेन मैकमैन और सैमी ज़ेन का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।